नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब छोटे बच्चों की छाती में जो कफ जम जाता है, जैसे कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम जब होता है तो उसके जो कफ होता है वो सीने पे जकड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता है, वो जल्दी से मिल्ट नहीं होता है, तो उसके लिए आप बच्चों के साथ में क्या क्या कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा जो है जैसे कि 6 महीने से बड़ा है तो आप जो है नॉर्मली क्या कर सकती हैं, बच्चे को गुनगुना पानी जो होता है वो पीने के लिए दे सकती हैं थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे का जो कफ कोल्ड वगैरह है वो मिल्ट होकर निकलेगा। साथ ही साथ में बच्चे को आप जायफल जो है घिस करके चटा सकती हैं, जो कि गर्म होता है, उससे भी बच्चे को कफ कोल्ड में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इसी के साथ साथ जो केसर होती है वो भी आप बच्चे को दे सकती हैं, जिससे कि वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो आप बच्चे को देंगे तो उससे भी गर्माहट बच्चे के शरीर में जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का जो कफ कोल्ड है वो बाहर मिल्ट होकर निकल आएगा। साथ ही साथ में आप जो है बच्चे को जो है जो सरसों का तेल होता है उसमें आप जो है अजवाइन, लहसुन और जो मेथी होती है, इन सभी चीज़ों को डाल करके उसको जो है गर्म कर लीजिए और उस तेल से बच्चे के सीने पर अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, और साथ ही साथ बच्चे की तलवे पे, पैरों के तलवे पे और हाथों की हथेलियों पर भी मसाज कीजिए, जिससे कि बच्चे का जो कफ कोल्ड है वो मिल्ट होने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोशिश कीजिए बच्चे को आप रात में सुलाने से पहले उस तेल से मसाज कर दें, उसके बाद उसको गर्म कपड़े पहना दें, देन उसके बाद आप बच्चे को सुला दें। इससे क्या होगा बच्चे का जो जो पसलियाँ चलने लगती हैं वो जल्दी से उसमें आराम भी मिलेगा। इसी के साथ साथ जो विक्स होती है, जो कि बेबी विक्स होती है, बेबी रब, वो आप जो है बच्चे को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसके सीने पर, जिससे कि उसको गर्माहट मिलेगी और उसका कफ कोल्ड पिघलने में उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका बच्चा जैसे कि 6 महीने से छोटा है, जायफल वगैरह नहीं खा सकता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चों को अगर आप देना चाहती हैं जायफल तो दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद अपने बच्चों को दिया है। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहती हैं 6 महीने से पहले, तो आप जो है बच्चे के सीने पर उस जायफल का पेस्ट बना लीजिए, उसको सीने पर लगा दीजिए, जिससे कि क्या होगा बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, उससे बच्चे का कफ जो है वो मिल्ट होने लगेगा। और उस जायफल को जो है आप बच्चे के पैरों के तलवे पर भी लगा सकती हैं, जिससे कि पैरों के तलवे में भी गर्म रहेंगे। इसी के साथ साथ जब आप बच्चे को सुलाने जा रही हैं तो जैसे कि मैंने भी बताया आपको, सरसों के तेल को आप उसमें वो सारी चीज़ें को डाल करके उसको गर्म करके बनाइए, तो ये भी आप बच्चे के सीने पर लगाइए, जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आप जो है बच्चे को जो मैंने बेबी रब बताया है विक्स वाला, वो भी आप बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। बहुत से पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, वो जो मुँह से दूध निकाल देता है क्योंकि दूध पीने में उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी नोज़ ब्लॉक है। तो नोज़ ब्लॉक के केस में आप क्या कर सकते हैं, जो एक नेजो क्लियर आता है, सिलाइन सिलाइन नेजो क्लियर, उसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे की नोज़ के लिए। आप जो है दिन भर में सिर्फ 3 टाइम उस ड्रॉप्स को डालिए। मैं यही कहूँगी जब आप बच्चे को दूध पिलाने वाले हों उससे पहले एक ड्रॉप डाल दीजिए बच्चे के नोज़ में, और जब बच्चा आपको आप सुला रही हैं, जब आपका बच्चा सो गया है, देन तब आप उसके नोज़ में एक ड्रॉप डाल सकती हैं। इससे क्या होगा बच्चे की नोज़ खुली रहती है और बच्चे को ज़्यादा उसकी नोज़ ब्लॉक नहीं होती, तो सोने में और पीने में दूध कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो नोज़ क्लियर है आप 1 मंथ के बच्चे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपके बच्चों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप नोज़ क्लियर जो बच्चे के नोज़ में डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है बच्चे को भाप दिला सकते हैं। भाप बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप जो बच्चे को जो नेबुलाइजर मशीन आती हैं, एस्थिलीन उसमें डाल करके बच्चे को भाप दिलाई जाती है, आप उसका यूज़ कर लीजिए, जिसकी वजह से बच्चे की जो खांसी भी होगी तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और उसका कफ कोल्ड तो बाहर निकल ही जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा कुछ दवाइयाँ दे नहीं सकते हैं, तो उसको भाप के थ्रू जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह आपका बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो आप उसको जो है, अगर 3 महीने से बड़ा है और 6 महीने से छोटा है तो आप बच्चों को भी भाप दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगी जब आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सलाह दें, तब आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, तभी आप जो एस्थिलीन से भाप दिलाइएगा। अदरवाइज आप नॉर्मली घर पे जो है बच्चे को स्टीम दिला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोटे बच्चों पर अप्लाई कर सकती हैं बच्चे की छाती से जो बलगम है, जो कफ है, उसको निकालने के लिए। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा सभी मम्मी के साथ में, जिससे उनकी भी प्यारे प्यारे बच्चों की हेल्प हो सके, बच्चे वो भी ज़्यादा परेशान ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।